आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से मैं एक बिल्ली की ही बात करने वाला हूँ। आपको लगता होगा कि मैं हर बार ही बिल्ली को लेके आता हूँ, क्योंकि बिल्ली में बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, तो मैं सभी प्रजातियों को आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो विलुप्त होते जानवर हैं वो बिल्लियाँ ही हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैंड कैट के बारे में। इसका नाम सैंड कैट इसलिए है क्योंकि ये एक तरीके से रेत की तरह दिखती है और ये रेतीले इलाकों यानी रेगिस्तानों में रहती है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अन्य वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी मैं एक ऐसे फैक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता। दुनिया के सबसे बड़े सहारा रेगिस्तान में और मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहने वाली ये बिल्ली सिर्फ 2.8 किलोग्राम की होती है। इसका साइंटिफिक नेम फेलिस मार्गरिटा है। इनकी आबादी लगभग 27,264 के बराबर है और ये 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकती है। हाइट इनकी 24 से 26 सेंटीमीटर होती है और लंबाई 39 से 52 सेंटीमीटर, और इनका जीवन काल 13 साल का होता है। सैंडकैट बिल्ली की एकमात्र प्रजाति है जो विशेष रूप से रेगिस्तान में ही रहती है। सैंडकैट को आप किसी और जगह पर नहीं देख सकते, ये सिर्फ रेगिस्तान में ही निवास करती है। सैंडकैट की चार उप प्रजातियाँ हैं जो अफ्रीका के उत्तरी भागों और एशिया के दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और क्यूट होते हैं। इनकी कमी का मुख्य कारण इंसानों की बढ़ती आबादी ही है। सैंडकैट हल्के भूरे या भूरे रंग के होते हैं, पैर काली पट्टी से ढके होते हैं, कान सबसे ऊपर काले होते हैं, आंखों के कोने से लेकर गालों तक लाल रंग की रेखा होती है और शरीर का रंग बिल्कुल मिट्टी से मिलता जुलता है, जिससे आपको ये आसानी से रेगिस्तान में नहीं दिखाई देगी। इसके सुनने की क्षमता अन्य बिल्लियों की तुलना में अधिक होती है, जिससे ये अपने भोजन को आसानी से ढूंढ लेती है। इसके पंजे पैरों के घने फरों से ढके रहते हैं, जिससे जब ये रेत पर चलती है तो रेत की गर्मी से इसके पैरों को बचाती है। सैंडकैट कीड़े मकोड़े, पक्षी, छिपकलियाँ और सांपों को खा सकती है। सैंडकैट अपने बचे हुए भोजन को छुपा देती है ताकि बाद में खा सके। सैंडकैट अन्य बिल्लियों की तुलना में अलग है। ये पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकती और ज़्यादा लंबा जंप भी नहीं ले सकती, लेकिन खुदाई करने में ये बहुत ही ज़्यादा कुशल है। ये रेगिस्तान में छोटे पत्थरों और या छोटे पेड़ों के बीच में गड्ढा खोदकर रहती है। मादाएं प्रजनन के 2 महीने बाद 2 से 4 छोटे बच्चों को जन्म देती हैं और 6 से 7 महीने तक अपनी माँ के साथ रहती है। उसके बाद में वो सब अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे अजीबोगरीब फैक्ट ये है, सैंडकैट बिना पानी के लंबे समय तक रह सकती है, यहाँ तक कि कुछ महीनों तक भी, और ये उस पानी की कमी अपने भोजन से कर लेती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पर जो विलुप्त होते जानवर है उनके बारे में नई नई वीडियोस डालता रहता हूँ। और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो।